क्षेत्र नियम कहा गेली आर्यमन हवाला दे सो की पांचवी अनुसूची का पालन होगा कब पालन होगा इसका जिम्मेदार कौन है अगर इसका पालन नहीं होगा तो सारे बस्तर के मूल निवासियों को रोड में आकर के इस चीज को दिल्ली और रायपुर राजधानी तक के भेजने वाले आप हम लोग होंगे आपको कोई और ले जाने वाला और खबर बताने वाला नहीं होगा मैं इस मन से यही ऐलान करना चाहता हूँ कि चप्पा चप्पा गूंज उठना चाहिए हमारे आदिवासियों का नारा और मूल निवासियों का नारा तब आपका पांचवी अनुसूची गाँव में और ग्राम सभा का पालन हो सकता है वरना अगर इस तरह के सोए रहेंगे आप पूरे लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले लोग फिर भाषण में रोड में नारा लगाने से नहीं चलेगा सीधा अधिकार और हक के लिए आपको उनके सामने जाकर के उनके घुटने टिका करके मांगना पड़ेगा हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं हम भीख नहीं मांग रहे हैं उनको भिखारियों को भीख देने वाले लोग हैं वो लोग हमको भिखारी बना के रखे हैं इस चीज को आप सभी को सोचना पड़ेगा मैं समय के अभाव के कारण मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और भी हमारे बड़े वक्ता लोग हैं इसको मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ इन सभी जितना भी बस्तर में जो अत्याचार हो रहा है आदिवासियों के साथ सर्व समाज को कड़ा कदम के लिए आज इस मंच से राज्य शासन को जाना चाहिए राज्यपाल को जाना चाहिए राष्ट्रपति को जाना चाहिए और तुरंत 3 महीने या महीने दिन के अंदर पांचवी अनुसूची का और पैसा एक्ट का कड़ा पालन होना चाहिए ग्राम सभाओं में और इसका अगर नहीं होगा तो हम कड़ा कदम उठाने के लिए आप सबको तैयार होना पड़ेगा युवाओं को मेरे युवा साथियों को मैं निवेदन करता हूँ इस बस्तर की अगर लड़ाई लड़ना है तो आपको गुंडा दूर देबरी दूर आज ही बंसे गांव में जाना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय